टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशन। आज हम ह्यूमन रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीईटी का टॉपिक है। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके जो कंटेंट है से, थर्ड आएगा अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, सेल्फ को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। फोर्थ पॉइंट आएगा वो आएगा सोशल बिहेवियर, एंड फिफ्थ आएगा सोशल एटीट्यूड, नेक्स्ट आएगा मोटिवेशन, एंड उससे नेक्स्ट आएगा इंडिविजुअल एंड ग्रुप, सेकंड लास्ट पॉइंट आएगा ग्रुप डायनामिक्स, एंड लास्ट पॉइंट आता है टीम वर्क। इन सब के बारे में हम ह्यूमन रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिलेशन होता क्या है। ह्यूमन रिलेशन से आप क्या समझते हैं। ह्यूमन रिलेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पीपल दैट मे रेंज फ्रॉम फ्लिटिंग एंड इंड्यूरिंग, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ह्यूमन रिलेशन आर द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग दैट आर अफेक्टेड बाई मैनी अदर फैक्टर्स and help in the accomplishment of goal of an organization. Next is the definition of human relation in nursing refers to the relationship of nurse with colleagues and other department personnel of nurse with patient. ठीक है, इसकी एक और definition है, it is the इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टू प्रोवाइड द क्वालिटी केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर ह्यूमन रिलेशन का कंटेक्स्ट क्या है। ह्यूमन रिलेशन इन नर्सिंग रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ नर्स विद कलीग एंड अदर डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ऑफ नर्स विद पेशेंट। इट इज इंटर डिपार्टमेंटल in nursing also develop when two healthcare personnel interact with each other to achieve a primary goal of maximum patient satisfaction and health promotion irrespective of their field of work. Human relation in context of nursing ki partition hai, iske dimension of human relation in, सबसे पहले आएगा nurse patient helping relationship, second आएगा nurse family relationship, थर्ड आएगा नर्स हेल्थ टीम रिलेशनशिप, एंड फोर्थ आएगा नर्स कम्युनिटी रिलेशनशिप। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ नर्सिंग के अंदर स्ट्रैटेजी टू प्रमोट कार्डिनल ह्यूमन रिलेशन। सबसे पहला आएगा कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ग्रुप कोहेसिवनेस, नेक्स्ट आएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस एंड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, थर्ड आएगा स्ट्रेंथनिंग अ सेंस ऑफ oneness. अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग इन ह्यूमन रिलेशन पॉलिसीज टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉयज। अब अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, ह्यूमन रिलेशन के अंदर हम पढ़ने से पहले ह्यूमन रिलेशन की इंपॉर्टेंस आपको बता देती हूँ कि ये क्या करता है, मेक अवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल, हमारी लाइफ को ईजी और कम्फर्टेबल बनाता है, डेवलप करता है सोशल हारमोनी को, एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी देता है हमें शेयर द फीलिंग एंड इमोशंस। इसके बाद में आएगा रिलेशनशिप क्रिएट अ नर्स ऑफ मेंटल एंड सोशल सिक्योरिटी, क्लब्स, और नेक्स्ट आएगा रिलेशनशिप में इनकरेज और मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू बिहेव इन डिजायर्ड वे और टू अचीव द गोल, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बिहेव करता है इंडिविजुअल और उसको मोटिव करता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। सबसे पहले अपन रिचर्ड स्टीवंस के द्वारा जो बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज थिंकिंग अबाउट व्हाट इज इन्वॉल्व इन बीइंग, व्हाट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम बीइंग एन ऑब्जेक्ट एन एनिमल और डिफरेंट पर्सन।
नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिलेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट में आएगा बॉडी की इमेज, बॉडी इमेज, पर्सनल आइडेंटिटी, रोल, परफॉर्मेंस, सेल्फ एस्टीम। ये चार चीज़ आती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ की कॉम्पिटेंसी फॉर इंडिविजुअल टू फंक्शन एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड वन आता है इट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेक की डिसीजन अबाउट सेल्फ अदर अराउंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इक्विप्स इंडिविजुअल विद मेकिंग मोर इफेक्टिव कैरियर और लाइफ चॉइसेस। द एबिलिटी टू लीड, गाइड एंड इंस्पायर विद ऑथेंटिसिटी रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। जौहरी विंडो के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग सेल्फ क्या होगा। ए टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में द जौहरी विंडो क्रिएटेड बाई जोसेफ लिफ्ट एंड हैरी इंगम। इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर प्रोवाइडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेशन। द फोर पेन्स ऑफ द जौहरी विंडो रिप्रेजेंट फोर पार्ट्स ऑफ अवर सेल्फ, द पब्लिक सेल्फ एंड हिडन सेल्फ, ब्लाइंड स्पॉट एंड अनकॉन्शियस सेल्फ। इसको इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है, जिसमें अपन ने दूसरे नाम्स के बारे में पढ़ा है, जैसे ओपन और ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन। ये चार अपन ने क्वाड्रेंट पढ़े थे। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। टू इंक्रीज द साइज ऑफ his or her personal information following it feeling etc to the team members। next आएगा the unknown area can be reduced by others observation, self discovery or mutual enlightenment via group experience and discussion। next आएगा a blind self is not an effective space for individual or group, so it need to be diminished with it। this can be done by seeking or soliciting feedback from other, thereby increasing the open area। the hidden window must always be at the individual's own discretion। next आएगा human relation के अंदर social behavior the interaction that takes between members of the same species or the behavior directed toward the society is known as social behavior। जो मेंबर्स है सोसाइटी के या जो सेम स्पीसीज के मेंबर हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर किस तरफ है, कैसा है और सोशल बिहेवियर कैसा है, ये हमारे ह्यूमन रिलेशन को बताता है। इन अ सोशियोलॉजिकल हायरार्की सोशल बिहेवियर इज़ फॉलोड बाय सोशल एक्शन, इज़ डायरेक्टेड एट अदर पीपल एंड डिजाइन टू प्रोवोक अ रेस्पॉन्स। एंटी सोशल बिहेवियर रेफर्स टू बिहेवियर दैट मे कॉज हार्म टू दी सोसाइटी। एंटी सोशल बिहेवियर होगा तो वो सोसाइटी को भी हार्म करेगा। ह्यूमन रिलेशन में सोशल बिहेवियर में आएगा सबसे पहले एग्रेशन, अल्ट्रिज्म, स्कैपगोटिंग एंड बिहेवियर। सबसे पहला आएगा सोशल नॉर्म्स, कल्चरल एंड सोशल कस्टम। सेकेंड आएगा वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। थर्ड आएगा ड्राइव, मोटिव्स एंड एम्बिशंस। सोशल एटीट्यूड के अंदर आएगा एटीट्यूड इज द सम टोटल ऑफ अ मैन इंक्लाइनेशन एंड फीलिंग, प्री जुडिस और बायस, प्री कंसीव्ड नेशंस, आइडियाज, फियर, थ्रेट्स, कन्विक्शन अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक। या सेकेंड हम थॉमस के द्वारा दी गई जो है उसके बारे में बताएंगे कि एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड अ वैल्यू दैट मे बी लव ऑफ मनी, डिजायर फॉर फेम, एप्रिशिएशन फॉर गॉड। ह्यूमन रिलेशन में आएगा सोशल एटीट्यूड, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एटीट्यूड में आएगा सोशल एटीट्यूड डिटरमाइन
द सोशल बिहेवियर ऑफ पर्सन. इट इम्प्रूव अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल. लाइफ ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स memberships in a group attitude are an expression of the desire for status, approval or acceptance of an individual behavior. Reinforce social behavior. Next aata hai, social rejection is an activity restrain the culprit from repeating the same activity in for future, thus maintaining conformity. सोशल एटीट्यूड के चेंजेस इन सोशल एटीट्यूड में चेंजेस क्या क्या आएंगे. इन डायनेमिक एट्रीब्यूट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद न्यू एक्सपीरियंसेस. ए चेंज इन सोशल एटीट्यूड कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अल्टरेशन इन एटीट्यूड डू नॉट अराइव अलोन. दे कम हैंड इन हैंड विद चेंज सोशल वैल्यू. ए सडन चेंज इन्वॉल्व to adjust to new needs. Human relation mega motivation. Motivation is the process of arising the action, sustaining the activity in process and regulating the pattern of activity. ये यंग ने दिया था. दूसरा आएगा मॉर्गन एंड किंग ने कौन सा दिया था. मोटिवेटिंग रेफर्स टू द स्टेट विद इन अ पर्सन और एनिमल दैट डिराइव बिहेवियर टूवर्ड सम गोल. नेक्स्ट आएगा ह्यूमन रिलेशन एंड मोटिवेशनल अप्रोच. सबसे पहला आएगा बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच. दूसरा आएगा बी गुड अप्रोच. एंड थर्ड आएगा एफर्ट रिवार्ड अप्रोच. सबसे पहला आएगा बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच. कॉन्वेंशनली द मैनेजमेंट रीज टू बी स्ट्रॉन्ग. सेकेंड आएगा अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इंटरप्राइज पुट अ थ्रस्ट no economic rewards on economic rewards. Third aayega the assumption was that people work more efficiently if threatened with financial loss or penalty on failure to do their job. Second aayega be good ya paternalistic approach. The be good approach refers to rewarding personnel to get productive work in return. Second aayega rewards may include job security, retention, fair supervision and sound working condition. Motivation ke effort ya reward approach kya hoga. This approach operate on the basis of the effort or handover on the part of observe adherence to these standards. Third aayega ultimately the reward is decided on the basis of performance. This give a sense of motivational work. Human relation ki Maslow priority model of motivation ke andar hum padhenge. Sabse pehle self actualization hona chahiye. Dusra self esteem. Tisra love ya belonging. थर्ड आएगा फोर्थ आएगा सेफ्टी एंड फिफ्थ आएगा साइकोलॉजिकल. मास्लो हायरार्की ऑफ नीड. नेक्स्ट आएगा इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बारे में. ह्यूमन रिलेशन द इंडिविजुअल इज अ सिंगल यूनिट इन अ ग्रुप. अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल विद अ कॉमन पर्पस. सबसे पहले इंडिविजुअल क्या होता है. सिंगल यूनिट होती है एक ग्रुप की. और ग्रुप क्या होता है. इंडिविजुअल का कलेक्शन होता है जो कि कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं या एक ग्रुप बनाते हैं. सेकंड आएगा इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर बिकॉज विदाउट इंडिविजुअल ग्रुप कैन नॉट बी फॉर्म्ड एंड इंडिविजुअल हैव नो एग्जिस्टेंस और कैन नॉट मीट देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड विदाउट ग्रुप ऑफ देयर इंडिविजुअल ऑफ अदर इंडिविजुअल्स. थर्ड आएगा अ सोशल ग्रुप इज अ गिव एग्रीगेट ऑफ पीपल प्लेइंग इंटर रिलेटेड रोल रिकॉग्नाइज बाई देम सेल्वेज एंड अदर एज अ यूनिट ऑफ इंटरेक्शन. इंडिविजुअल एंड ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी एंड स्ट्रक्चर. सेकेंड आएगा ए ग्रुप इंक्लूड एटलीस्ट टू और मोर पीपल. थर्ड आएगा ए ग्रुप मेंबर्स हैव अ शेयर्ड पर्पस और गोल. फोर्थ आएगा ग्रुप मेंबर्स हैव अ कॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद ईच अदर.
दे हैव ऑर्गेनाइज. नेक्स्ट आएगा ग्रुप मेंबर्स इन्फ्लुएंस इंटरैक्ट विद ईच अदर. एंड लास्ट वन आएगा एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन रूल एंड नॉर्म्स मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो. क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप के अंदर आएगा सबसे पहला आएगा इनवॉलेंट्री ग्रुप, वॉलेंट्री ग्रुप एंड डेलीगेट ग्रुप. इसका चार्ल्स कॉलर ने क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें आएगा प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. थर्ड आएगा जॉर्ज हॉसन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर ग्रुप. अनसोशल ग्रुप, शूडो सोशल ग्रुप, एंटी सोशल ग्रुप एंड प्रो सोशल ग्रुप. इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. टास्क और रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप. सबसे पहले इनिशिएटर होना चाहिए. दूसरा आएगा इंफॉर्मेशन सीकर होना चाहिए. तीसरा आएगा इंफॉर्मेशन गिवर होना चाहिए. ओपिनियन सीकर होना चाहिए. एलेबोरेटर होना चाहिए. कोऑर्डिनेटर होना चाहिए. ओरिएंटेटर होना चाहिए. इवेल्युएटर होना चाहिए. एनर्जाइजर होना चाहिए. प्रोसीड्यूरल टेक्नीशियन होना चाहिए. रिकॉर्डर होना चाहिए. ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल वाला होना चाहिए. इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला ग्रुप डायनेमिक्स. ग्रुप डायनेमिक्स में आएगा कर्ट लेबिन, अ सोशल साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा यूएसए, वाज द क्रिएटर ऑफ टर्म फॉर अ ग्रुप प्रोसेस. नेक्स्ट आएगा इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट द ग्रुप डायनेमिक्स द फ्रेरेस ग्रुप प्रोसेस रेफर्स टू द इनसाइट इन टू द बिहेवियर एंड ग्रुप मेंबर्स एंड इंक्लूड देयर बिहेवियर टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल. नेक्स्ट आएगा मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक. ग्रुप डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोसेस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस ग्रुप फिनोमिना. ग्रुप डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ग्रुप इंटर स्टिमुलेशन एंड इनवॉकिंग फॉर रेस्पॉन्स बिटवीन इंडिविजुअल टू परफॉर्म वेरियस ग्रुप फिनोमिना. ग्रुप डायनेमिक्स के एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप डिसिप्लिन में फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप टास्क, कंपटीशन ऑफ ग्रुप, कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स, मेड ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, ग्रोथ, डाउनफॉल एंड रेजोल्यूशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप डिसोल्यूशन, मेथड टू अचीव वननेस ऑफ बिल्डिंग कॉन्शियस एंड एसिलिमिलाइजेशन टू मीट द नीड ऑफ द ग्रुप एंड टास्क परफॉर्मेंस. ह्यूमन रिलेशन में ग्रुप डायनेमिक के स्टेजेस कौन कौन सी होगी? सबसे पहला आएगा फॉर्मिंग फेज, सेकेंड आएगा स्ट्रोमिंग फेज, थर्ड आएगा नॉर्मिंग फेज एंड फोर्थ आएगा परफॉर्मिंग फेज. ह्यूमन रिलेशन में ग्रुप डायनेमिक की स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव ग्रुप इन्फेक्शन ग्रुप फंक्शनिंग को. इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल गोल एज वेल एज ग्रुप ऑब्जेक्टिव सो दैट आइडिया बट अबाउट एक्सपेक्टेशन विद इन अ ग्रुप. थर्ड पॉइंट आता है ग्रुप मेंबर्स मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड शुड बी कमिटेड टू वार्ड देयर designated responsibilities. Fourth point aayega, member in a group must follow the principle of positive competence. Next aayega, approach control over the functioning of group members must be maintained. Agla aayega, the group members must carry out their functions with a collaborative approach. Group members must communicate effectively and appropriately for a group to function smoothly. Next, a group leader must coordinate individual tasks to obtain group objective. Human relation ke andar teamwork kya hota hai? Teamwork divide the task and multiply the success.
एक तो टास्क को डिवाइड करेंगे तो सक्सेस क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। टीम वर्क इज द एक्शन परफॉर्म बाय द टीम टुवर्ड अ कॉमन गोल। टीम वर्क होती है वो परफॉर्म करती है एक कॉमन गोल के लिए। ए टीम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पर्सन एंड ईच पर्सन टिपिकली हैज़ डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। टीम वर्क लीड्स टू पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन, राइज सेल्फ एस्टीम एंड इंक्रीज मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। ह्यूमन रिलेशन में टीम वर्क के एलिमेंट कौन से होंगे? सबसे पहले कॉमन पर्पज़ होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वर्किंग टुगेदर, म्यूचुअल एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, रियलाइजेशन ऑफ सिनर्जीज। स्ट्रैटेजी टू बिल्ड द सक्सेसफुल टीम मेगा क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड कमिटमेंट। दूसरा आएगा कॉम्पिटेंस एंड कंट्रोल। देन थर्ड आएगा कम्युनिकेशन, कोलाब्रेशन एंड कोऑर्डिनेटर। हेल्थ टीम, द क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल केयर इज बेस्ट इफ प्रोफेशनल ग्रुप लाइक फिजिशियंस, नर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स, हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ विजिटर, पब्लिक हेल्थ एंड इंजरीज सॉरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स एंड मैनी अदर शेयर अ कॉमन यूनिफाइंग गोल। सेकेंड आएगा टीम वर्क कैन बी डिफाइंड एज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू और मोर हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद कम्प्लीमेंट्री बैकग्राउंड एंड स्किल, शेयरिंग कॉमन हेल्थ गोल एंड एग्जिस्टिंग कंसर्न फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इन असेसिंग प्लानिंग ऑफ इवेल्युएटिंग पेशेंट केयर इन हेल्थ केयर। टीम वर्क के एडवांटेज क्या होंगे? इट गिव्स अ बेटर एंड रिजल्ट विद हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच टीम मेंबर्स। सेकेंड आएगा इट इन्वॉल्व एवरी पर्सन एंड हिज एक्सपर्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड आएगा द एजुकेशन ऑफ न्यू आइडियाज कैन बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट थ्रू टीम वर्क। नेक्स्ट आएगा इट इंक्रीज ऑनरशिप विद वाइडर कम्युनिकेशन। इट लीड्स टू इंफॉर्म शेयरिंग एंड इंक्रीज लर्निंग इन द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आएगा इट इम्प्रूव मोर सिक्योरिटी एंड डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप। एंड इसके अगला पॉइंट आएगा द पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन ईजिली सॉल्व इन टीम। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इट हेल्प प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस। एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन द वर्क प्लेस। नेक्स्ट आएगा द टीम इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीम वर्क के डिसएडवांटेज क्या होंगे? इट मे लीड टू अनइक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स इन अ टीम। सम इंडिविजुअल मे बी गुड वर्कर्स, दे मे नॉट बी गुड टीम प्लेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इट मे लिमिट क्रिएटिव थिंकिंग। एंड अगला पॉइंट आएगा टीम कैन समटाइम टेक लॉन्गर टू प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है टीम कैन ऑल्सो रिजल्ट इन एडेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इट मे फेस सम इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट। एंड नेक्स्ट आएगा पीयर प्रेशर। थैंक यू।